सो हेलो गाइस, वेलकम टू YouTube चैनल। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी चांदनी चौक में। यहाँ पे अपने को कुर्ता खरीदना है। तो आप देख सकते हो, ये दिवाली के दिन कितना क्या ही भीड़ है यहाँ पे, ख़तरनाक भीड़। और आगे दिखाते हैं क्या क्या है। यही है, यही है क्या। सो दोस्तों, हम ढूंढ रहे हैं खाटू वाला क्रिएशन। इसमें भी चलो नहीं तो किसी ने हमें ये गली बताया। देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे खचाखच भीड़। और जो शॉप हम ढूंढ रहे थे वो मिला नहीं हमें। तो दोस्तों, कल दिवाली है और आज के दिन आप देख सकते हो गजब भीड़। और यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिल रहा है। सर्दियों के कपड़े सारे लग चुके हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। Right now we are in the famous चांदनी चौक ब्राह्मण मार्केट। और आज तो छोटी ही दिवाली है, बहुत ही भीड़ है खाने वाले लोगों की, शॉपिंग करने वाले लोगों की। तो आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। और हम अभी गुजर रहे हैं छक्का शॉप से, द फेमस छक्का शॉप। यहाँ पे आप आ सकते हैं और खा सकते हैं दही भल्ले, नटराज। ये द नटराज दही भल्ला कॉर्नर, ये दही भल्ला के लिए फेमस है। और यहाँ पे आप भीड़ देख ही रहे होंगे लोगों को, वो लोग खड़े होके खा रहे हैं यहाँ पे। बट ऐसी कुछ बात है नहीं कि इतनी भी अच्छी नहीं है वो कि आप खड़े होकर खाओ। और आपको सामने दिख रहा होगा, हमें गुरुद्वारा का नज़ारा नीचे दिखने लगा है। तो हम लोग अब शीशगंज गुरुद्वारा के पास आ चुके हैं। तो दोस्तों, हमें जो सामान लेना था वो तो मिला नहीं। तो अब चलते हैं आगे रेड फोर्ट की तरफ। तो आपको दिख रहा होगा सामने रेड फोर्ट। यहाँ पे आप आलू का चालू भी खा सकते हैं। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, सुना ही होगा आपने पोएम। हाँ, फेमस आलू का चालू, वो आपको मिलेगा चांदनी चौक में। और आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले रिनोवेशन हुआ था इस एरिया का। तो रिनोवेट तो हुआ है बट फिर से गंदा हो चुका है ये पूरा एरिया। तो गाइस, फाइनली हम भीड़ को चीरते फाड़ते हुए हम आ चुके हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो सामने रेड फोर्ट, लाल किला। यहीं से झंडा फहराया जाता है 25 और 26 जनवरी और 15 अगस्त को। और आप देख सकते हो यहाँ पे मेला भी लगा हुआ बगल में, बहुत ही सही सा है। तो आप देख सकते हो क्या ही गजब लग रहा है लाल किला। वैसे बाहर से ही बहुत बढ़िया दिखता है, अंदर में कुछ है नहीं, पूरा खंडर बन चुका है। आप आते हो तो ज़रूर एक बार अंदर चाहिए और देखिए कैसा गार्डन है और स्ट्रक्चर क्या है अंदर से। और देख सकते हो दिवाली से एक दिन पहले क्या ही भीड़ है यहाँ पे। वैसे इससे भी ज़्यादा भीड़ होता है, लेकिन आज थोड़ा भीड़ कम है, मतलब फिर भी ज़्यादा है कि कम है पता नहीं चल रहा। और यहाँ पे सब आए हुए हैं, फॉरनर्स, हर एक लोग आए हुए हैं अलग अलग कंट्रीज से। लोग यही देखने आते हैं रेड फोर्ट। दिल्ली में देखने के लिए बहुत कुछ है वैसे। अगर आप दिल्ली के बाहर से हो तो कमेंट करके बताओ आप दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमे हो।